बसमिल नाज़ी असल आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाजीन यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करने का हमारा कतन ये मकसद नहीं होता कि हम किसी की दिल आज़ारी करें प्रोग्राम करने का मकसद हमारा सिर्फ़ ये होता है कि हक और सच की बात हम अपने नाजरन तक पहुँचा सकें गुजा दिनों हमने पोजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज़ के खिलाफ प्रोग्राम किए हमें लान तान का निशाना बनाया गया तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जो बात हमने अपनी प्रोग्राम में की वही बात हुई नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए गए लेकिन आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है जिसमें सबसे पहले नाम आता है अब्दुल्ला सिटी का फिर नाम आता है टॉप सिटी का इसके बाद नाम आता है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का मोबीडा सिटी का दिगर कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं रौलपिंडी में जो ग़ैर कानूनी हैं उनके पास एन ओ सी नहीं है उनका ले आउट प्लान नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो इश्तारबाजी करके आवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं आज कल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है अब्दुल्ला सिटी का ब्ल्यू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का मवीडा सिटी का गुजशत रोज़ हुआ ये कि रालपिंडी डिवलपमेंट अथॉरिटी के जो नए आने वाले डी जी हैं अब्दुलस्तार एसानी उनकी हिदायत के ऊपर आर डी ए और ज़िला इंतज़ामिया ने अब्दुल्ला सिटी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी मोिडा सिटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया उनके जो दफातरस थे उनको सील किया गया सर भमर उनके दफातरस को सील करने के साथ साथ वहाँ पर जो ग़ैर कानूनी तमीरत थी वो भी घराई गई इसके अलावा इसके ऊपर जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो करता दर्ता हैं यानी कि उनके जो साद नज़ीर की जो फ्रंट मैन हैं चौधरी नईम एजाज उन्होंने तो दावा किया एक वीडियो बयान में क्या दावा किया है पहले आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं जी बिमिल अच्छा ये थोड़ी देर पहले अभी एक ग्रुप में आगे पीछे मुख्तिक ग्रुपों में चल रहा है जी कि कभी आरडिया वाले का ऑपरेशन ब्लू वर्सिटी का करने आ रहे हैं और ब्लू वर्सिटी वालों ने पता नहीं कितने बंदे इकट्ठे कर लिए ये कर लिया वो कर लिया यार हम यहाँ के मुकामी हमने कोई बंदा नहीं इकट्ठा किया और अलहमद लाला ब्लू वर्सिटी के पास पूरे कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं हाईकोर्ट के भी सेशन कोर्ट के लोअर कोर्ट के भी अभी चार पाँच दिन पहले तो हमें हाई कोर्ट ने पी पी वन प्री प्लानिंग परमिशन पंद्रह सौ चौंतीस के ना अल्हमदल्ला ब्लू वर्सिटी की अप्रूव की है जो हमारा उन्होंने कैंसिल की थी आडियो वाले ने वो स्टेटस को में कर दिया है और उसके बाद अलहमदिल्ला हमारा लाहौर का ब्लू टाउन का भी हमें एन मिल गया है और हमारे तो अल्हमदिल्ला सारी चीज़ें लीगलाइज है इवन हमारे पास डेवलपमेंट की भी इजाज़त है ये जो भी फेक न्यूज़े चढ़ा रहा है ना जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है अभी ऑपरेशन होगा ब्लू वर्ड सिटी पे होगा किस पे होगा वो तो नज़र आ जाएगा क्योंकि हमारे पास तो सारी चीज़ें मौजूद हैं कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं हर चीज़ में हमारे ऊपर तो ऑपरेशन बनता ही नहीं है ना आर डी कर सकती है क्योंकि हमारे पास सारे कोर्ट के जो भी रिक्वायरमेंट है ए टू जेड सारे आर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं इसके हाई कोर्ट्स के स्टे आर्डर और ये ये मेरे पास देखे सारे लेटेस्ट स्टे आर्डर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें क्लियर लिखा है ना इनकी कोई चीज़ डिमोलिश कर सकते हैं ना इनको छेड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं उसके बावजूद अगर कोई इदारा हमारे साथ ऑफ कोर्ट करता है तो फिर कोर्ट भी मौजूद है बेलफ भी मौजूद है कमीशन भी मौजूद है और

अब्दुल्ला सिटी और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी और मवीडा सिटी क्योंकि ये एक ही जगह पे चौतरा के इलाके में वाक़ है और तीनों के पास कोई एन नहीं है तीनों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से ऑलरेडी मुकदमा भी दर्ज करवाए गए हैं लेकिन गुज्तर रोज़ जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन में अब्दुल्ला सिटी मवीडा सिटी और इसके अलावा ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो वहाँ पे कारिंदे थे उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत भी की जिसके बाद रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जमान का कहना था कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थानों में दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की तो उसके जो मालिक हैं साध नज़ीर उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीर हैं पी टी आई की शख्सियात के साथ इसके अलावा जो अब्दुल्ला सिटी के मालिक हैं आसम अजीज़ उनकी भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं मुख्तफ़ सियासतदानों के साथ मोविडा सिटी वो तो है ही क्योंकि वो मोविडा सिटी उस जगह पर वाक़ है जो जगह नैब में प्लज हुई है और नैब में जो उस जगह का मालिक है उसका केस भी चल रहा है लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला सिटी और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी दोनों गैर कानूनी है मोविडा सिटी भी गैर कानूनी है कल के ऑपरेशन के बाद एक चीज़ देखने में जो आई है वो ये है कि रोलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहली दफ़ा एफ़ आई ए से भी रजू कर लिया है इसके अलावा नैब को भी एक लेटर लिखा गया है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए नैब में ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ तहक़ीकत हो रही हैं और उसके बाद ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं साध नज़ीर उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट से भी रुजू किया था उस पर नैब की जानब से जवाब भी जमा करवाया गया लेकिन जो चीज़ एक रियलिटी है कि अब्दुल्ला सिटी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी मोवेडा सिटी ये गैर कानूनी है तो सरमायादार यहाँ पर सरमाकारी क्यों कर रहे हैं उनको अभी तक एन ओ सी नहीं मिला वो बहुत ज़्यादा फाइल्स भी फ़रोख कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आवाम को जो चीज़ सच बताई जाती है आवाम क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि कोलू के बहल हैं कि एक जानब अगर कोई शख्स चलता है तो पूरी एक लाइन बना दी जाती है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा इश्तारबाजी की और बहुत बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए क्योंकि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं साद नज़ीर उनके जो फ्रंटमैन हैं चौधरी नई मिजाज इनके मतलक मशहूर है कि ये चौंतरा में कत्लो गारत में मुलविस हैं इनके मतलब ये भी मशहूर है कि ये जो ग़रीब गुरबा हैं उनकी आराजी पर कब्ज़ा करने के माहिर समझे जाते हैं नाजिन अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक हैं आसम अजीज़ उन्होंने तो स्टेट के अंदर स्टेट बनाई है मलेशियन वर्दी में मलबूस उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं और ऐसे लगता है कि ये कोई दूसरी ही स्टेट है क्योंकि आलरेडी अब्दुल्ला सिटी के मालिक और ब्ल्यू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के ख़िलाफ़ आ, मुकदमा भी दर्ज हुआ उनके खिलाफ कलंदरा भी बना आ, फिर पुलिस ने पहली दफ़ा एक बोल्ड स्टेप लिया इनके डिटेंशन आर्डर लिए लेकिन लाहौर हाईकोर्ट और ऑलपिंडी बेंच से इनके डिटेंशन आर्डर मनसूख हो गए जिसके बाद ये बाहर आ गए लेकिन एक दिन ये जेल में ज़रूर रहे और वहाँ पर चौंतरा जो है वो एक नो गो एरिया है वहाँ पर खून की होलियाँ खेली जाती हैं कुछ जरा ने तो हमें इस बात की भी तस्दीक की है कि कल का जो ऑपरेशन था इसमें एक प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई करनी थी कि दोनों हाउसिंग सोसाइटी जो गैर कानूनी है अब्दुल्ला और ब्लू वर्ल्ड इन्होंने फायरिंग करनी थी लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि कल वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं हुआ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर कुछ दफातरस भी सील किए गए मुकदमात दर्ज करने के लिए थानों का भी रुख किया गया और इसके अलावा नैब एफ़ आई ए को भी लेटर जारी किए गए इसके अलावा एक और बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है टॉप सिटी जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ है उनके ख़िलाफ़ भी रालपिंडी की एक अदालत में फ्रॉड का केस समात है आज उसकी समात भी हुई है लेकिन जो टॉप सिटी की इंतज़ामिया हैं उनके वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि टॉप सिटी के जो मालकान हैं वो बैरून मल्क है अब ये जो केस है इसमें टॉप सिटी के ऊपर इल्जाम ये आए किए गए हैं कि कुछ अराजी है कागजात में टेम्पर्ड करके उस अराजी को ज़्यादा ज़ाहिर किया गया और जो लाखों रुपये की रकम जहाँ पर जो मुतासरीन थे उनको ये जाहिर किया गया कागजात में कि करोड़ों रुपये की रकम दी गई है मैं अपने नाजरीन को बताऊँगा कि जो टॉप सिटी का अदालत में जो केस है उसकी अगली समात तो अप्रैल तक मुलतवी होगी और आज जो रापिंडी अदालत के जज थे उन्होंने इजहार भरमी भी किया टॉप सिटी इंतजामिया के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद है वो ये है कि उन्होंने अठसठ कनाल ज़मीन को छः सौ आठ कनाल अराजी ज़ाहिर किया और इसी तरह सत्रह कनाल ज़मीन को एक सौ पचहत्तर कनाल अराजी जाहिर किया जो मुतासरीन थे उन्होंने फ्रांसिक जो रिपोर्ट थी वो भी अदालत में पेश कर दी इसके ऊपर क्योंकि ये भी एक नया पंडोड़ा बाक्स खुलेगा टॉप सिटी की इंतजामिया कहती है बिल्कुल उनके पास एन ओ सी है वो लीगली काम कर रहे हैं लेकिन जो उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ के लोकल रहायशी हैं उनकी ज़मीनों को आ, अगर जिस तरह मैंने अपने नाजरन को बताया कि एक सत्रह कनाल को एक सौ पचहत्तर कनाल अराजी बनाया गया अड़सठ कनाल को छः सौ आठ कनाल अराजी बनाया गया और इस फ्रॉड केस में यह बताया जा रहा है कि पटवारी भी मुलविस पाए गए है क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें जो पटवारी हैं उनको और इसके अलावा महकमा एंटी करप्शन के जो अफसर हैं उनको भी कहा गया कि वो भी मुलविस हैं लेकिन क्योंकि ये अदालत का केस है अब इसमें देखना है कि नेक्स्ट जो समात होनी है उस पर क्या होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जमा कराई गई है जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुज्ता दिनों 25 से 30 ऐसे मुकदमे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ दर्ज करवाए थे अब रिसेंटली जो कल ऑपरेशन हुआ अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मोबिडा सिटी के खिलाफ समझ सकते हैं कि शायद जो सरमायादार हैं उनको थोड़ा सा होश आ जाए कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट मत करें आपके अरबों रुपए डूब जाएंगे नैब इंक्वायरी कर रहे हैं अब ऑल पंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नए डीजी जी हैं अब्दुल अब्दुलस्तार एसानी उनकी जानब से भी जो तर्जमान है वह कहते हैं कि लेटर लिख दिया गया है नैब को भी एफ़ आई ए को भी जिला इंतज़ामिया को भी आगाह किया गया है अब देखना यह है कि जो राउलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इनिशेटिव लिया है क्योंकि जाहिर बात है अब्दुल्ला सिटी हो गया मोविडा सिटी हो गया ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी हो गया वहाँ पर हज़ारों ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है जिनको फाइल्स तो मिली हैं और वहाँ पर वो सर छुपाने के लिए उन्होंने घर बनाना है कब बनाएंगे ये अल्लाह की ज़ात तो बेहतर जानती है और सबसे जो अहम बात है मैं फिर एक दफ़ा अपने नाजरन को आगा करूँ कि प्रोग्राम करने का मकसद हमारा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता हमने अब्दुल्ला सिटी के मालकान जो हैं आसम उनसे रबत करने की कोशिश की ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के चौधरी नई मजाज से रबता करने की कोशिश की मोीडा सिटी के जो मालकान हैं उनसे भी रबता करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जो गैर तीनों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं उन्होंने हमें मौका देने से इनकार कर दिया अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़